हमारे साथ टीएमसी के नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेमन जुड़ गए हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर इस केस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद कानून के बड़े जानकार हैं, तो इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों के सामने मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो अप्रोच है या स्टैंड है, वो पार्टी अपना हाईकमांड डिसाइड कर रही है, और उनका ये कहना है कि हम इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे कि सच्चाई सामने आए, न सांसद के फेवर में न सांसद के अगेंस्ट में। मगर बहसियत एक इंडिविजुअल के या कानून का कुछ जानकारी होने के कारण मैं आपके दर्शकों को इसमें कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, ये महुआ के खिलाफ इल्ज़ाम लगे हैं, ये गंभीर किस्म के इल्ज़ाम हैं कि किस तरह से एक सांसद अपने अधिकारों का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पैसों के अवज़ या तोहफ़ों के अवज़ या फेवर्स के अवज़ कुछ सवालात पूछ कर किसी को परेशान किया जाए। जहाँ तक कि महुआ का, सारे देश को जानकारी महुआ के कार्य के बारे में है कि वो बहुत फायरी हैं, बहुत सख्ती के साथ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, तो जाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। जहाँ तक के ये दर्शन हीरो इंदरानी हरिनंदानी साहब के एफिडेविट का सवाल है, मैं जानता हूँ हरिनंदानी साहब को अच्छी तरह से, काफ़ी सूझबूझ रखने वाले तालीम याफ्ता शख्स हैं, और जहाँ तक के उन्होंने उनके इस हलफनामे का सवाल है कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो मीडिया पिछले 14-15 घंटों से चला रहा है, उसके मतलब में मुझे ये कहना है कि हीरानंदानी साहब को इस बात का इल्म होगा कि महुआ की इस इशू पर पार्लियामेंट की पैनल कमेटी जांच कर रही है। उस सूरत में उन पर वाजिब ये था, बेहतर ये था कि बजाय वो मीडिया को ये सर्कुलेट करवा के सारे देश में इसका प्रचार करते, वो उस पैनल कमेटी के सुपुर्द ये कर देते, और हो सकता है कि पैनल कमेटी उन्हें गवाह की सूरत में बुलाए, और एक सच्चाई को जानने के लिए अगर इस किस्म का शपथनामा किसी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आता है और उसे विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है जांच में, तो ही मे बी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस। तो ये हीरानंदानी साहब इन तमाम कार्यों से अच्छी तरह से परिचित हैं, इस तरह से प्रचार ही कर देना, और मैंने ये कहता कि हीरानंदानी साहब सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये काम तो उस पैनल का है जो जांच कर रही है, एथिक्स कमेटी, मगर इस तरह का प्रचार कर लेना ये खुद। और दूसरी अहम, इसका दूसरा पहलू ये भी है, उनका ये आरोप है कि मैंने उनको बाकायदा महुआ जी को बहुत अरसे से, एक लंबे समय से कई प्रश्नों के ऑफ़र दिए और उसके एवज में उसकी कीमत दी और वो उनसे कहलवाया, तो वो एक तरह का ये भी सोच लें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई किसी को रिश्वत देता है किसी कारण से, तो रिश्वत देने वाला भी कटहरे में होता है। ये तो एक बड़ी अहम बात है, इसका अहम पहलू है। आपने अगर देखिए, आपने किसी को, आप लगातार उन्हें सवाल क्यों देते गए और उनसे वो सवाल पार्लियामेंट में क्यों पूछवाते चले गए, और अब आप अचानक खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है जो किया, या मैंने उसको तोहफे दिए वो, तो ये सब चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वक्त न तो मैं महुआ जी की वकालत कर रहा हूँ न हीरानंदानी जी की, मैं चाहता हूँ कि देशवासियों को इसकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसीजर के मुताबिक दोनों के, इल्ज़ाम लगाने वाले के और इल्ज़ाम जिन पर लगाया गया है उन पर, उन दोनों के अधिकारों का रिस्पेक्ट करते हुए हमें इस पर थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी जो भी कह रहे हैं उस में वो खुद भी अपने ऊपर भी आरोप जो है वो ले रहे हैं। अभी तक तो इस मुद्दे की जांच केवल एथिक्स कमेटी ही कर रही है यहाँ पर माजिद मेमन साहब, लेकिन उसके अधिकार क्या क्या होते हैं जो आचार समिति है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एथिक्स कमेटी, आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बहुत ही पावरफुल कमेटी है, उसे कोई मामूली ये ना समझें, ये बाहर कोई इंक्वायरी कर ली गई या किसी रिटायर्ड जज को बुला के, उससे ज़्यादा ताकत एथिक्स कमेटी को, पैनल को है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से
आरोप लगाने वाले पर, आरोप लगाने वाले को और आरोप जिस पर लगाया गया है उसको, दोनों को सुनेगा, दोनों के तमाम सबूतों को जांचेगा और उसके बाद अपना कोई फैसला देगा जो पार्लियामेंट के स्पीकर के पास पेश किया जाएगा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अदालतों से बढ़कर इनके अधिकार होते हैं, इसलिए हमारा सबका कर्तव्य ये होता है, मीडिया का भी ये कर्तव्य होता है कि हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। हम ना तो किसी इस ए को बुरा कहें या बी को बुरा कहें, बेहतर ये होगा कि जांच हो जाए और जांच के बाद सच्चाई पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाए, तब इस पर चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप जांच की बात जब कह रहे हैं माजिद मेमन साहब, तो क्या किसी और एजेंसी को भी मामले को देखना चाहिए, क्योंकि अब सीबीआई को भी पत्र लिखा जा चुका है? नहीं, देखिए सांविधानिक व्यवस्था के मुताबिक अदालतें उन मामलात में, देखिए अगर इल्ज़ाम सांसद पर ये लगाया गया है कि उसने संसद में कोई गलत काम किया है, कोई गलत सवाल पूछा है या किसी के साथ बदले की भावना से कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उसका पूरा अधिकार स्पीकर को और संसद को होगा। अदालतें भी उससे अपने हाथ उठा लेती हैं। हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय तक ने यह कहा है कि द मैटर्स विच आर विद इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट टू बी एडजुडिकेटेड बाई द कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो देयरफॉर कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सीबीआई को भी पत्र गया है, एक ईडी को गया होगा, फलाने कितनों को गया होगा पत्र, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कॉग्नाइजेंस कहाँ लिया जा सकता है? मैंने जैसा कि पहले कहा कि पार्लियामेंट्री एथिक पैनल जो है वो पहले ही काम करना शुरू कर चुकी है, इसलिए मैं नहीं समझता कोई और एजेंसी की आवश्यकता है कि इसमें अभी मुदाखलत करे। वी विल हैव टू वेट टिल हाउ द प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द पैनल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड देयर आफ्टर थिंग्स विल टेक इट्स ओन। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, जिसने आरोप लगाया है उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी, जिस पर आरोप लगा है उसको भी पूरा अधिकार मिलेगा और उसे भी कोई, उसके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल, तो नाइंसाफी नहीं होना चाहिए लेकिन सच सामने आए ये भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर माजिद मेमन साहब, तो क्या इस मामले में क्रिमिनलिटी का भी एंगल बन रहा है, क्योंकि सांसद का मामला है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है? नहीं देखिए, अगर आप इसे उस दृष्टि से जांचें कि क्या ये क्रिमिनल मामला बनता है, तो साफ साफ ये बात उभर के सामने आती है कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द ब्राइब गिवर इज इक्वली लायबल एज द ब्राइब एक्सेप्टर, तो आप समझ जाएं इसका मतलब क्या होगा। तो अब तक टीएमसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है माजिद मेमन साहब, ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा को खुद अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसा क्यों है, क्यों चुप है टीएमसी? नहीं देखिए, इसमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। वो हमारी सांसद हैं, हम उनका पूरा आदर करते हैं एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वी बिलीव इन, हम भी इसी बात पर यकीन करते हैं जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है कि जब तक के गुनाह साबित नहीं होता हम किसी को दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन हम ये भी बयान नहीं देना चाहते कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि एक जिम्मेदार एजेंसी यानी सीबीआई, ईडी, पुलिस वगैरह वगैरह से ऊपर बढ़कर पार्लियामेंट्री एथिक्स पैनल जो है वो इसकी जांच कर रही है, तो हम जब तक के उस पैनल से कुछ सामने उभर के नहीं आता इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब आपका, आप हमसे जुड़े वक्त निकाला, क्योंकि अब इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और 26 अक्टूबर को इस मामले में पूछताछ भी कुछ पक्षों से इस मामले में होने जा रही है।